अयोध्या के राम मंदिर में शिखर निर्माण का कार्य अक्टूबर में शुरू होगा। इसके निर्माण शुरू होते वक्त मंदिर निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियां शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रथम तल पर प्रस्तावित राम दरबार के लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही लोग राम मंदिर में राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे। बता दें, मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन इन दोनों पहलुओं पर चर्चा हुई। जानिए किन बातों पर दिया जाएगा ध्यान। राम मंदिर का काम पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। हालांकि मंदिर निर्माण के प्रस्तावित वक्त से करीब 2 महीने पहले से ज्यादा समय लगेगा। राम मंदिर निर्माण समिति की समीक्षा बैठक में इन पहलुओं पर चर्चा हुई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र और श्री राम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मीटिंग में निर्माण संबंधी सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। निर्माण शुरू होते वक्त मंदिर निर्माण में सभी एजेंसियों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। बता दें कि अयोध्या में नागर शैली का मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे इसका शिखर भी नागर शैली की स्पेशल डिजाइन का तैयार किया जा रहा है। साथ ही राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। किसी भी मंदिर में शिखर का निर्माण टेक्निकल तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। राम मंदिर के निर्माण की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिखर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए इसकी मजबूती और खूबसूरती दोनों का ध्यान रखा जाएगा। राम मंदिर आने वालों को जल्द ही राम दरबार के भी दर्शन करने को मिलेंगे। अगले साल होली से पहले प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हो जाएगी। बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हुई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र ने जानकारी दी कि राम दरबार की डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। राम दरबार संगमरमर के पत्थर का बनाया जाएगा। राम दरबार अपने पूर्ण रूप में होगा, जिसमें राम, सीता, तीनों भाइयों और हनुमान की मूर्ति होगी। मूर्तिकार वासुदेव कामत ने इसकी डिजाइन को अप्रूव कर दिया है। अगले साल होली से पहले राम दरबार स्थापित हो जाएगा। बता दें कि मंदिर के परकोटे और सप्त मंडप का काम भी साथ में चल रहा है। मुख्य भवन के अलावा लैंडस्केपिंग का काम भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा हो गया है। इसके साथ ही प्रथम तल का निर्माण तक पूरा हो गया है।